फिर उन्हें खूब सताना, नाना से मम्मी को डांस सुनवाना, रोते रोते अपनी बात मनवाना, याद आता है मुझे नानी के घर जाना, नानी का वो हमें चाट खिलाना और फिर हमारा खुलकर मुस्कुराना, बादाम शेक पीकर चुस्त चुस्त हो जाना, याद आता है मुझे नानी घर जाना, हर त्योहार पर उनकी तिजोरी खुल जाना, सबको नए कपड़े दिलवा कर खुद प्रालों पर जिंदगी गुजारना, याद आता है मुझे नाना नानी का अपनी खुशियों का बलिदान दे जाना, नाना के कंधों पर अध्यापक के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का आना, पर इतना होने पर उनका ना घबराना, फिर एक सच्चे साथी की तरह नानी का खेत जाकर वो दो पैसे कमाना, आधी आधी जिम्मेदारियां बांटकर दोनों का पूरा परिवार चलाना, याद आता है मुझे नानी के घर जाना, फिर एक अजीब दौर का आना, नाना की जिंदगी प्रधानी अध्यापक के नाम से गुजर जाना और उनके दायर होते ही नानी का अध्यापक का सफर शुरू हो जाना, याद आता है मुझे नानी के घर जाना, खुदा का सुनहरा खेल तो देखो, 7 फरवरी को हमारी नानी माँ धरती पर आई, अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरे घर को रौनक कर जाना, नीलम देवी के नाम से पूरे समाज में नाम कमाना और आज उसी महीने की 28 तारीख को उनका अध्यापिका का सफर समाप्त हो जाना, याद आता है मुझे नानी घर जाना, हंसते खेलते उनका एज अ टीचर का सफर यूँ बीत गया, 28 फरवरी 2021 का दिन उनकी आंखों में